youngster. He's a very, very enthusiastic man. I'll call him a boy because I worked in 3 films with him. He's going to make a nice film. And I'm not going to say this because we are there on the Mahorat. पहली बार हम साथ में काम करेंगे तो पहली बार ही तो ऑडियंस भी तो पहली बार ही देखेंगी कि ये जो फिल्म को पेश करेंगे और पहली बार जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जो सुनील बंसल जी उनको भी देखेंगे कि भाई आज जब नए लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं लेकिन दे हैव अ बैड एक्सपीरियंस एंड दे गो बैक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छी बिरादरी है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो लेकिन कुछ गलत लोग एक नए लोगों को मिल जाते हैं तो उनको गुमराह कर देते हैं लेकिन बंसल साहब को एक राजा मिल गया बस एक रानी की ज़रूरत है कहीं ना कहीं मिल जाएगी सपनों की रानी मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू सर जैसे कि आपने कहा कि आप और राजेश जी साथ में फिल्म में मतलब आप काम करने वाले हैं तो इस बार आपने पिछले भी कई फिल्में की हैं तो इस बार कौन से किरदार में आप नजर आए नहीं देखिए मैंने 8 फिल्में साइन की हैं जिसमें से 3 पिक्चरें मेरी रेडी हो चुकी हैं एक मैंने मॉरिशस में फिल्म कम्प्लीट की है जिसका नाम है काश तुम हमारे होते वो नदीम श्रावण जी की पिक्चर है और दूसरी फिल्म है जिसमें है कि वफा जो हमने बैंकॉक में कंप्लीट की है और तीसरी एक फिल्म है हेलोकॉन जो लंदन में कंप्लीट की है देखिए हमारे पास डायरेक्टर बहुत अच्छा है और डायरेक्टर के साथ साथ अगर हमारा प्रोड्यूसर भी उनका साथ निभाए कंधे से कंधा मिलाकर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं ज़रा कैमरा इस तरफ भी थोड़ा घुमा लीजिए और क्या है कि भाई इनको भी साथ निभाना होगा तभी तो डायरेक्टर हम लोग को डायरेक्ट कर पाएगा और अच्छी फिल्म बना पाएगा लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि मैं बड़ी छोटी बात करता हूँ ये इनका बड़प्पन है कि ये छोटी बात करते हैं नहीं जो आदमी बड़ा होता है वो छोटी बात करता है लेकिन उस छोटेपन में बहुत बड़ी बात होती है इसलिए पहली बार हमारे डायरेक्टर ने ऐसी बात कही कि मैं तो छोटी बात कर रहा हूँ नहीं जो बड़ा आदमी होता है वो छोटी बात नहीं करता क्योंकि वो बड़ा है तो इसलिए बड़ी बात करता है लेकिन बोलता है कि मैंने तो छोटी बात की है सर कहानी के हिसाब से उनका किरदार बिल्कुल अलग है लेकिन वो भी एक ऐसा मिशनरी एक नर्स का रोल कर रही हैं जो शायद मेरी जहाँ तक तसव्वुर में जाऊँ तो अभी तक ऐसा रोल उन्होंने किया नहीं उतना ग्लैमरस उन्होंने पूरी दुनिया देखी और उस किस्म के रोल किए हैं एक एक नर्स का है जो सोशल एक कॉज के लिए कमिटेड है और किस तरह से वो सोशल कॉज को करते करते समाज से जुड़ती हैं और समाज का हिस्सा बनती हैं और फिर उस मायावी संसार में अपने आप को पाती हैं तो दिस इज समथिंग जीनत जी के बारे में कह सकता हूँ कि अलग किरदार है काका जी के बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने रेंज किए हैं कि उसमें मेरे पास गुंजाइश नहीं है लेकिन जीनत जी के लिए एक गुंजाइश थी जो मैंने ये सोचा है उनके लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये रोल ऐसा वैसा दे मैंने कहा मैंने स्क्रिप्ट रख दी है अब आप जैसे जिसमें आपका है वो तो राजेश जी आप इतनी फिल्में कर रहे हैं बोला 8 फिल्में साइन की है क्या कोई ऐसी फिल्म है जिसमें आप एक बार फिर पेड़ों के जी हाँ वही आपको पुराने दिनों में नहीं ऐसी तो नहीं है लेकिन वफा एक फिल्म है जिसमें मैंने एक गाना भी गाया है और जिन लोगों ने वो ट्रायल देखी है उन्होंने कहा कि भाई हमें समझ में नहीं आता है कि हालांकि दिस इज़ माय सेकंड इनिंग्स मतलब सेकंड इनिंग्स भी नहीं है मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ माय 2020 इट्स नॉट 50 बॉल्स यू नो इट्स नॉट 50 ओवर्स सॉरी 2020 ओवर्स तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो वफा में मैंने काम किया है कि लोगों को पसंद आए और अगर 50% ओवर्स नहीं है तो 20% ओवर में 20% भी प्यार दे देंगे आई एम वेरी हैप्पी कैसे महसूस हो रहा है इतने अरसे के बाद वापस उसी पर्दे पर छा जाना कैसे महसूस हो रहा है आपको ये तो आप लोग देखेंगे हमारे मीडिया देखेगी हमारे दोस्त जो प्रेस के हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं जो हमारे सब यहाँ मौजूद हैं जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई साहिब मैंने तो पूरी कोशिश की है कि जो किरदार निभाने की लेकिन कुछ भी गलती हो गई तो मैं यही कहूँगा अपने दिल की गहराइयों से कि भाई साहिब हमका माफ़ी दे दो सर हमका माफ़ी दे दो कि आई डिड माई बेस्ट
एंड आई एक्सपेक्ट आफ्टर गॉड हिज ब्लेसिंग माई ऑडियंस ब्लेसेस मी एंड गिव्स मी दैट लव एंड अफेक्शन विच दे हैड गेव मी सो मच. अगर उसका 20% भी दे दें तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन. अजय जी, क्या वो ख्वाहिश अभी भी कहीं पे है कि एक वक्त पे वही दिन वापस आए, उसी तरह से गाना गाएं, पेड़ों के गीत अब इस उम्र में क्या गाएंगे? इस उम्र में तो हमारा जो जवाई राजा है वो बहुत गाता है, कभी वो बुलबुलैया करता है, कभी 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 वो हेरा फेरी करता है, हेरा फेरी टू करता है, बहुत हेरा फेरी करता है, हेरा फेरी वाला ही आदमी है वो. मैंने अपने बेटी को भी बोला है, मैंने कहा देखो टीना बाबा, मैं टीना बोलता हूँ क्योंकि ट्विंकल उसका नाम है, लेकिन टीना बाबा जरा लगाम खींच के रखना, इसकी लगाम खींच के रखना, लेकिन इतनी भी नहीं खींचना कि टूट जाए. बोले क्यों? मैंने कहा खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत हीरो है, तो इधर उधर कभी गंगा नहा ले, नहले तो तेरा क्या जाता है, आएगा तो शाम को तेरे पास. तो लेकिन अगर आज आप, आज अगर आप अपनी जगह किसी आज के हीरो को देना चाहें तो किसे रखेंगे आप, किसे देखते हैं अपने? माय ग्रैंडसन. क्यों? बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा ग्रैंडसन है और मेरे बेटी का बेटा है, लेकिन डिम्पल जी का उसने कुछ तो लिया होगा कि भाई जो हमारा और उसका नाम है अक्षय का जो बेटा, तो डिम्पल जी का कुछ तो लिया होगा, तो कुछ तो अक्षय का लिया होगा जो एक फैमिली ट्री होती है, कुछ तो ट्विंकल का भी लिया होगा, और रहा मैं तो कुछ तो थोड़ा मेरा भी तो लिया होगा ना. तो कोई अगर मैं सुपरस्टार रहा, द फर्स्ट सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री की, भाई जब भी सुनहरे लफ्ज़ों में राजेश खन्ना का नाम लिखा जाएगा, जो हमारी ऑडियंस को और मैं अपने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार. देखिए, एक तो सब लोगों का ये प्यार है, इन पर मेरा हक इतना बनता था कि ईमानदारी से इनके साथ रहा और इनसे मोहब्बत करता रहा, तो वो ये इनाम आज मुझे मिला है. एक कहानी थी, बहुत सालों से हम सोच रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से, ना तो ये फर्स्ट टाइम मैं पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, ना एक्टिंग कर रहा हूँ, और ना ही ये लोग कर रहे हैं, बट लेकिन इस सब्जेक्ट ऐसा था जहाँ मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इन लोगों तक अप्रोच करके स्क्रिप्ट के ज़ोर पर अगर मैं कन्विंस कर लूँगा तो संभवतः ये हमारे साथ काम करेंगे. और सबको मैंने रोल सुनाया है, जीना तमान जी को रोल सुनाया है, राज बब्बर जी को रोल सुनाया है, शत्रुघ्न सिन्हा जी को रोल सुनाया है, और किसी ना किसी तरह से ये राज़ी हो गए करने के लिए. इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कन्फ्लिक्ट की बात करता है. जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी नए संस्कारों को लेकर जुड़ना, आगे बढ़ना चाहती है, मॉल, नाइट क्लब्स, डिस्को, आपके FM, आपके रियलिटी बेस्ड शोज. पुरानी जो जनरेशन है वो इसके ख़िलाफ़ है, जो फर्स्ट जनरेशन है वो उसके ख़िलाफ़ है, वो सोचती है कि ये इन्वेड कर रही है, पाश्चात्य सभ्यता हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देगी. और इसका इफ़ेक्ट आप एजुकेशन में देखिए, आज का लड़का अंग्रेज़ी बोलना पसंद करता है, बालों में जेल लगा के घूमना पसंद करता है. तो ये पूरी की पूरी जो समस्या है, ये एक दो जनरेशन का जो गैप है, हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे देश में तरक्की इतनी जल्दी आएगी, एक ब्लैक एंड वाइट चैनल और अचानक 100-200 चैनल आ गए हैं. तो जो नई वाली जनरेशन को अगर आप कहें कि जिन्हें इसमें हम ब्लैक एंड वाइट चैनल देखा करते थे और इसमें कलर नहीं हुआ करते थे कृष्णधर्म, तो वो लड़का बिलीव नहीं करता है. इसी को लेकर मेरी कहानी है और दो जनरेशन का गैप है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. I'm very happy, first of all, that I'm working with such a legends and people. So, and of course, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. And I'm playing Rajesh ji's daughter. And the character is very different. Like, it's very difficult to explain you. और अगर मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बता दूंगी, आई थिंक तो जो उसका सस्पेंस वगैरह है, दैट विल गो. आपने पिछले भी एक फिल्म की है और उससे
It is like totally different, totally different. I think this is the kind of character I'm doing for the first time. I mean, normally, before. Okay, उसकी जो शी मोस्टली वो उर्दू में ही बात करती है. उर्दू मतलब नॉट नॉर्मल, लाइक बहुत ही तहजीबाना अंदाज से बात करती है कि आइए तशरीफ़ रखिए, लिल्ला ऑल दैट थिंग. सो कुछ सीखनी भी पड़ी थी कुछ अल्फाज, लेकिन नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली घर में उर्दू बोलते हैं तो इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. जो अल्फाज पहले नहीं सुने हुए थे मैंने, तो वो ऑफकोर्स दोबारा मुझे फिर से पूछना पड़ा कुछ का मीनिंग्स या सब. लेकिन इसमें जो उर्दू ऐसी है कि इट्स नॉट दैट बहुत गालिब के ज़माने की, पीपल विल अंडरस्टैंड. इट इज़ नाइस. आई मीन अभी आज ही उन सब से मिली हुई हूँ और आई होप कि रेपो अच्छा ही रहे. एंड या दैट्स इट. सो म्यूजिक तो अभी तक मैंने सुना नहीं. आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई मेट द डायरेक्टर मिस्टर राज यस्टरडे. सो आई लव माय कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स एंटायर स्टार कास्ट एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई आई सेड यस टू द मूवी. और उसके अलावा म्यूजिक अभी मैंने सुना नहीं, टाइम भी नहीं मिला. सो इट वाज लाइक यस्टरडे आई हर्ड द स्टोरी, आज सुबह फोटोशूट था, अब टुडे वी हैविंग द मुहूर्त. सो फर्स्ट टाइम पहली बार इसमें रजत बुंदेला की डायरेक्टर हैं, राजेश खन्ना, जीरत अमान, ये काफ़ी नामचीन और काफ़ी कह सकते हैं सीनियर एक्टर एक्ट्रेस हैं. कैसा है, कैसा लग रहा है आपको ये? एक बहुत ही अपने आप में खूबसूरत अनुभव है कि मुझे पहली बार पहली फिल्म में फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ चांस टू वर्क विद सच लेजेंडरी एक्टर्स. आई मीन राइट फ्रॉम जीनत जी, राजेश जी, राज बब्बर साहब, शत्रुघ्न जी. सो आई एम मोर देन ग्लैड. मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ईश्वर ने मुझे पहला ही मौका इतना खूबसूरत दिया है कि मैं इतने बड़े और इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम कर सकूं. और आई एम श्योर दैट आई विल लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. आपका किरदार क्या है इसमें? मेरा किरदार वही है जो मेरा रियल लाइफ में किरदार है. आई एम एन आरजे एंड आई एम प्लेइंग एन आरजे इन द फिल्म. बट इट्स टाइम टू आई थिंक टर्न माई करियर इन टर्म्स ऑफ इनफ ऑफ आरजेइंग एंड नाउ मोर ऑफ एक्टिंग.